दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम 8x12 का चक्री बोर्ड बनाएंगे और आप अपनी वीडियो के अंदर देख लीजिए भाई ये जलता हुआ कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीएस। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इन बैट टिन का यूज किया है और बैट टिन के इस तरीके के मैंने 12 पीस काट लिए हैं और हर एक पीस के अंदर 8-8 होल किए हैं क्योंकि 8x12 का मुझे चक्री बोर्ड बनाना है। तो भाई 8 होल किए हैं और इस तरीके की 12 मैंने बैटिन काट ली है और उनको मैं यहाँ पर चिपका रहा हूँ फेवी क्विक की मदद से, क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्लू गन यहाँ पर यूज तो मैं कर रहा था लेकिन वो अच्छे से चिपका नहीं पा रही थी क्योंकि गत्ते के ऊपर वो कम काम करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करूँगा फेवी क्विक का, उसके बाद मैंने के किनारों पे जो है ना ग्लू गन का यूज़ करके ग्लू स्टिक्स को यहाँ पर चिपका दूंगा। तो बाकी गाइज ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है क्योंकि फेवी क्विक क्या है गत्ते के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और किसी भी चीज़ को आसानी से चिपका देती है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा काम कर लिया है और मैंने होल भी कर ली है इनके पीछे। अब होल क्यों किए हैं क्योंकि मैं इसके अंदर यहाँ पर अब यूज़ करूँगा पिक्सल एलईडी। तो पिक्सल एलईडी आपको किस तरीके से लगानी है तो यहाँ पर आपको एस कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले क्या है आप इस तरीके की पिक्सल एलईडी ले लेंगे, उसके बाद उसका जो मेन पार्ट है उसको पहले लगाएंगे, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में आप इस तरीके से लेके आएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एलईडी लगाने के बाद आप इसको क्या है यहाँ से ही इधर की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके जिस तरीके मैं आपको बता, यहाँ से आपको काटना पड़ेगा क्योंकि इसके लेंथ जो है ना वो छोटी पड़ रही है। यहाँ से काट के फिर आप दोबारा से एक वायर जोड़ेंगे इसके अंदर और फिर क्या है फिर आप इस तरीके से लेके जाएंगे। इस तरीके से आपको सारे कनेक्शन कर लेने हैं। तो गाइस चलिए अब क्या है मैं इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि ये जो चक्री बोर्ड है ना बनने के बाद किस तरीके का लग रहा है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर अपना कंट्रोलर लगा लिया है। तो ये जो कंट्रोलर है ये 8x24 का कंट्रोलर है लेकिन हम इसको एज ए 8x12 के तौर पर यहाँ पर यूज़ करेंगे। और गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर जो प्लस का है हमारा ये वाला साइड है और बीच में डाटा के लिए है वायर और बाकी साइड में जो वाइट कलर का वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए है। तो आप देख लीजिए ये सारा कुछ हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। पीछे से ये बोर्ड हमारा कुछ इस तरीके दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो लाइट जो है कितनी ज़्यादा क्लियर आ रही है भाई, एकदम मज़ा ही आ गया। और देख लीजिए कितने ज़्यादा पैटर्न बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले आप देख लीजिए कि पैटर्न कितने ज़्यादा बनते हैं इसके अंदर।
फाइनली गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पिक्सल लेना चाहते हैं या फिर कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो इन दोनों का बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर, और अगर आप ऐसी वीडियोज और देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव GS को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।